गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आई एम मीनाक्षी गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झालावाड़। टुडे वी विल डिस्कस ऑन केमिकल बॉन्डिंग। इट इज़ नॉट ए न्यू टॉपिक फॉर यू, यू ऑलरेडी हैव लर्नड अबाउट दिस टॉपिक इन 11th एंड 12th बोथ क्लासेस। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग मीन्स क्या होता है कि ऐसी बॉन्डिंग जिससे कि क्या होगा, केमिकल्स का फॉर्मेशन होगा, केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। एट फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन अवर माइंड दैट व्हाई डू एटम्स कंबाइन, कि आखिर एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हिडन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, यू नो, नोबल गैसेस आर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन, एंड दीज आर कैप्ड इन ग्रुप 18 इन पीरियोडिक टेबल। दीज नोबल गैसेस, दीज एटम्स डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, एंड वी कैन से दीज आर नॉन रिएक्टिव। व्हाई दीज आर नॉन रिएक्टिव, आखिर ये नॉन रिएक्टिव क्यों है, नोबल गैसेस जो हैं इन्हें हम नॉन रिएक्टिव कहते हैं, ये किसी से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। एंड हीलियम, हीलियम विच इज़ अ नोबल गैस, बट इट हैज़ 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हिज आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सबकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, सब में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे क्या कंक्लूड निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला है कि ऐसे एटम्स जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, और वो एटम्स कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अदर एटम्स सच एज हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन एक्सेट्रा विच डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल अंडरगो केमिकल रिएक्शंस। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो केमिकल रिएक्शंस करेंगे। दस एटम्स टैंड टू अटेन अ कॉन्फिग्यूरेशन इन विच दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स। दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो मेन कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है, यही है कि एटम्स जो होती हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन चाहते हैं जिनमें कि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। And this attainment of 8 electron for a stable structure is called the octet rule. The octet rule explains the chemical bonding in many compounds. Atoms are held together in compounds by the forces of attraction which result in formation of chemical bonds. Atoms कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने के लिए जो फोर्स यहाँ पे लगेगा, यानी जो एट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स रिजल्ट्स इन द लोअरिंग ऑफ एनर्जी विच इज़ लेस देन द एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। बॉन्डिंग के रिजल्ट्स में क्या होते हैं, बॉन्डिंग का आफ्टर रिजल्ट ये होता है कि जो एटम्स थे, इंडिविजुअल एटम्स थे, उनकी तुलना में एनर्जी बॉन्ड्स बनने पे जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि एटम्स कंबाइन होंगे और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। द रिजल्टिंग कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, विल बी लोअर इन एनर्जी कंपेयर्ड देन सम ऑफ एनर्जीज ऑफ द रिएक्टिंग एटम एंड मॉलिक्यूल्स, हैंस इज स्टेबल। दस स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड जो बन रहा है इंडिविजुअल एटम्स की तुलना में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब हमने ये पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, एंड दिस बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स होती है। ये फर्स्ट इज आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग होगी, एंड सेकेंड होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्डिंग।
द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल इज नॉन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और ये एक आयनिक बॉन्ड है। नेम से ही हमें पता लग रहा है आयनिक बॉन्ड है, मीन्स क्या होगा कि आयन्स का फॉर्मेशन होगा। आयन्स कैसे होते हैं? दो टू टाइप्स होते हैं, एक कैटाइन्स होते हैं, एक एनाइन्स होते हैं। तो जो हमारी मेटल होती है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, एंड आफ्टर इलेक्ट्रॉन लूजिंग इट कन्वर्ट्स इंटू कैटाइन, कैटाइन बनेगा इससे। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स दे विल चेंज इंटू एनायंस, एनायंस का फॉर्मेशन होगा। अब जब ये कैटाइंस और एनायंस बन गए हैं तो इनके बीच में आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, और दोनों ही कैसे हैं? अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं। इनके बीच में फिर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो उसी को ही हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, वेन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस आर ब्रॉट इन टू कॉन्टेक्ट, दोनों ही पास में लाई जाती है। हेयर सोडियम मेटल इज अ मेटल एंड क्लोरीन गैस विच एक्ट्स एज अ नॉन मेटल, दे रिएक्ट वायलेंटली एंड वी ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज शोन बिलो। देखिए, यहाँ सोडियम है, क्लोरीन है, आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज दे फॉर्म NaCl, इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड। द बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2, 8, 1, एंड इट्स मीन क्या हुआ कि इसके फर्स्ट शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल जो है उसमें हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। और होना कितना चाहिए? अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल, ईच एटम हैज़ टेंडेंसी टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट शेल, और इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इफ़ इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल, देन इट कन्वर्ट्स इंटू 8, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड जो शेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो फिर उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाता है? सेकंड हो जाता है, और सेकंड आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से ये क्या कर देता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ये किस में चेंज हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटाइन में चेंज हो जाता है। सच अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड अ कैटाइन, एंड द कैटाइन इन दिस केस इज कॉल्ड एज सोडियम कैटाइन। यहाँ देखिए आप, सोडियम है और ये क्लोरीन गैस है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला तो Na प्लस का फॉर्मेशन हुआ। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में अब हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये आपस में आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, और आयंस फिर आपस में अट्रैक्ट होंगे और NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड, एंड हियर आयनिक बॉन्डिंग अकर्स। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है 282, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन यहाँ पे है, MgCl2 है, तो यानी कि दो क्लोरीन यहाँ पे होगी, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेती है, और एक एक क्लोरीन एक्सेप्ट कर देती है, और दो यहाँ क्लोराइड आयन बन गए हैं, और एक आपका Mg+2 मैग्नीशियम कैटाइन बन गया है, और MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया है। थैंक यू।